अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिसबा दानिश, आप देख रहे हैं किचन विद मिसबा दानिश। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ शामी कबाब, जिसके लिए हमें अज्जा चाहिए। 300 ग्राम बीफ, इस तरह पोटी कटी हुई, 300 ग्राम दाल चना, दरमियानी साइज प्याज इस तरह बड़े पीसेस किए हुए, 4 जवे लहसुन के और एक टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्च इस तरह चॉप की हुई, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे। गोश्त को ऐड करेंगे। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं। अब हम 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रेशर देंगे। मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया है। अब मैं लिड मूव करती हूँ। दाल और गोश्त गल कर तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे चट्टू डंडे के साथ पीसेंगे। बैटर हमारा अब तैयार हो चुका है, अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। बैटर बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इस स्टेज पर हरा धनिया और एक अंडा ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग अच्छी तरह हो चुकी है, अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हम हाथ पे इस तरह लेकर गोल से बनाएंगे। आप चाहें तो कोई गोल लिड लेकर उसमें भी बना सकते हैं, मैं सिंपल हाथ से बना रही हूँ। इसी तरह हम बाकी भी रेडी करेंगे। कबाब बना दिए हैं, टोटल 18 कबाब बने हैं, बाकी मैंने फ्रीज़र में फ्रीज होने के लिए रख दिए हैं। हम इन्हें एक पैन में फ्राई करते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे, इसको गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कबाब फ्राई करेंगे। कबाब हमारे एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। लीजिए, मज़ेदार बीफ शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।